नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक। आज मैं मेरे गांव के मठ में हूँ और गोपाल जी के बारे में जानने को मिलेगा, इस मठ के बारे में भी जानने को मिलेगा और ये सारी चीज़ें जो हैं हम महाराज जी के जुबान से सुनेंगे। जी जो दर्शक लोग बा उन लोग के अपन परिचय दे देवल जाओ। मठ के श्री धर्मदास जी महाराज, श्री श्री 1008 बाबा छतरभूदास जी महाराज, श्री श्री 1008 बाबा राम स्वरूप दास जी महाराज, श्री श्री 1008 बाबा बिकेश्वर दास जी महाराज, श्री श्री 1008 बाबा रामफल दास जी महाराज, श्री श्री 1008 श्री कृष्णदेव दास जी महाराज। कृष्णदेव दास जी महाराज जी का इकलौता शिष्य राधेश्याम दास। अच्छा, राउर गुरु जी के नाम भेल श्री श्री 1008 स्वर्गीय कृष्णदेव दास जी महाराज। जी, इस मठ के पता के बारे में बताइए, अगर कहीं से किसी को आना हो, जैसे आउट ऑफ स्टेट, कहीं से भी किसी दूसरे राज्य से अगर आना चाहे तो यहाँ कैसे पहुँचेगा, उसका पता जरा। बिहार राज्य है जी, मुजफ्फरपुर जिला है जी, मोतीपुर प्रखंड है जी, बरुराज थाना है जी, पकरी पंचायत है जी, पोस्ट ऑफिस कमालपुर बिछरौल है जी, ग्राम का नाम लोग ऐसे हठिलवा कहते हैं, बाकी भाई दस्तावेज में हठिल छपरा नाम है। हठिल छपरा जी, जो हठ का करके श्री भट्ट जी यहाँ हठिलवा मठ बनाए, उस जी, समय जी। से यह हठी छपरा के नाम से दस्तावेज में जाने जाते हैं। महाराज जी जो हथिन मठ के कर्ता धरता रहथिन, आ उ भट्ट जी महाराज जी जो हथिन उनका बारे में कुछ कहावत बड़ा परिचलित है हमनी के सुने के मिलल है कभी कभी, जैसे कि उ समाधि देलथिन, जरा अपने से बताओ कि का बात है। तो श्री भट्ट जी महाराज लौह पुरुष कहे जाएंगे तो कम पड़ेंगे। श्री भट्ट जी महाराज इस मठ के निर्माण के हैं, जिंदा समाधि लिखी है और हठी छपरा से इस गांव के नाम जाने जाते हैं। अच्छा, हठिल हठ मतलब हठ रूप दिन जो हमको ये स्थान बनानी है। अच्छा, और स्थान बना करके और जिंदा समाधि ले लिए, आगे पीढ़ी को सौंप दिए। अच्छा, तो हठिलवा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भट्ट जी महाराज जो थे वो बड़े हठी थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और उनके हठ के वजह से आज ये मठ है। मठ है और इसीलिए उनके नाम को लेते हुए हठिलवा नाम पड़ा। हठिलवा नाम। अच्छा, तो उनका समाधि कहाँ था? वह इस हठिले छपरा गांव में ही एक भट्ट जी स्थान, वहाँ पर उन्हीं के नाम से स्थान जाने। अच्छा, तो भट्ट जी जो महाराज थे उनके नाम से एक स्थान है। स्थान है मठ की जस्ट बगल में 50 लगी उत्तर। अच्छा, एक मतलब बगीचा। बगीचा भट्ट गाछी हम लोग जो सुनते हैं। अच्छा, भट्ट गाछी, तो वहीं पे उनकी समाधि। वहीं पे उनका समाधि है और उन्होंने कही थी कि जब तक यहाँ तुलसी का पौधा हरा रहेंगे तब तक समझिए ये भट्ट जी हैं, तुलसी के पौधा सूख जाएंगे, भट्ट जी शांत हो। अच्छा, आज तक तुलसी का पौधा हरा है, इनको आत्मविश्वास है इस मठ की जो नींव रखे वो आज भी जिंदा है और उन्हीं की कृपा से मठ फिर आज हरियाली फल फूल रहा है। जी जी, सूखी थी ये फुलवारी, क्यारी क्यारी पानी पानी। जी ऐसा बाकी मठ जे बा कितना साल पुरान हुई लगभग? मठ 500 वर्ष पुराना मठ। 500 साल पुराना मठ। बस पूर्व ऐसा भी कहल जाले कि ये मठ के जैसा आसपास में कोई मठ ना है। बिल्कुल, इसे मुजफ्फरपुर जिला में इस कटिंग का कोई स्थान है ही नहीं। जमीन इससे बेसी है, धन संपदा बेसी है, ताकि यह छाप का यह डिजाइन का मठ जिला में नहीं। मतलब बहुत पुरान होए के साथ साथ बहुत धनिक मठ भी कहल जा सकल है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गोपाल जी जब हैं तो उनके पास तो कुछ कमी है ही। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, जैसे कि हमने इ मठ में खेल ली कूदली, चाहे इ मठ के वजह से बहुत लोग जीवित है, बहुत लोग के आजीविका चल रही, चाहे बहुत ऐसा चीज है, बावजूद देकर कि अभी इ मठ के बारे में रुगर का विचार बारुआ का सोची ले, जरा दर्शक लोग के बताइयो। हरिओम, जैसे पूर्व से यहाँ लोग खेलते उदित आ गए इस प्रांगण में, लड्डू गोपाल जी के प्रांगण में जी, उस प्रकार आगे भी अपने के लड्डू गोपाल जी जे अतन वही लड्डू गोपाल जी के दरबार में खेलस और हम लोग तहे दिल से इस जगह को सुंदर बनाने का प्रयास करते रहेंगे, कर रहे हैं और करते रहेंगे।
यही मेरा दृढ़ इच्छा है। अच्छा महाराज जी, एक चीज जैसे कि एक वो सवाल रहलक मन में, वो छूट गेल रहलक, हम चाहत हती कि फिर से पूछू। जैसे कि ई मठ जेबा, ई मठ के प्रांगण जेबा, एमे हमनी के बहुत खेलले बारी, बहुत लड़का सब सियान भेलै, सब कुछ बा, आज स्थिति जे भी बा लोग देखी रहल है, आ सब कुछ तो नजर के सामने ही है, लेकिन बावजूद एके जे भी भेलै भेलै, अभी ई मठ के बारे में राउर का योजना बा, का सोचे बरिये, जरा लोग के दर्शक लोग के बतैहो। हरिओम, इस मठ के गोपाल जी के प्रांगण है, गोपाल जी की कृपा से सारी काम स्वयं गोपाल जी करा रहे हैं। पात्र हम सभी भक्त लोग को पात्र बनाए हुए हैं और सभी लोग के दृढ़ इच्छा से बहुत सुंदर से सुंदर बन रहे हैं और आगे भी साल भर में सभी चीज़ सुंदर बन के तैयार हो जाएंगे, यही मैं कामना रखे हुए हैं। जितने सुंदर से सुंदर हो, इससे जग में सुंदर काम हो, हठिलवा मठ पुनः जन्म जन्म तक स्थापित रहें, यही मेरा कामना है। और गांव समाज के से पूर्ण सहयोग मिल रहे हैं, उनके सहयोग से सारी काम सुंदर हो रहे हैं। जी जी।